राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल प्रांगण में नगर पालिक निगम द्वारा निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य शिविर का दो दिवसीय आयोजन किया गया। यह आयोजन 7-8 सितंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में राजनांदगांव क्षेत्र के नागरिकों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किस तरह हुआ, लोगों को इसका क्या फायदा मिला, प्रस्तुत है हमारे राजनांदगांव ब्यूरो गणेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ज़्यादा मरीज यहाँ देखे और मुझे प्रसन्नता हुई कि शिविर में बहुत सारी सुविधाएँ जैसी क्लिनिक में रहती हैं वैसी सारी सुविधाएँ, दवाई की गुणवत्ता के समेत, स्वच्छता के समेत, और कोई आपाधापी नहीं थी और पूर्ण आए हुए मरीजों ने और यहाँ के व्यवस्थाओं ने मुझे। अलग अलग क्षेत्र पर आयुष के, होम्योपैथिक के, आयुर्वेदिक के, यूनानी के इस तरह से हॉस्पिटल्स रनिंग में हैं जो कि अपनी पूरी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। वहां पर औषधि वितरण ये सारी चीज़ें निःशुल्क की जाती हैं। लगातार यदि मरीज वहाँ पर आते हैं तो उनकी दवाई और समय समय पर हम प्रिवेंटिव मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव ये भी होता है कि जैसे आने वाले समय पर जैसे लाल आँख हो जाना, हाथ की आ जाना, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, ये सब की जो चीज़ें डेंगू की एक प्रतिरोधक दवाइयाँ भी यहाँ पर इसमें दिया जाती है। होम्योपैथिक इसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कारगर भी। संस्कार धानी में डॉक्टर्स द्वारा जानकारी ली गई, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जिसमें श्री रत्नेश स्वास्थ्य, डॉक्टर ममता सिंह और डॉक्टर हर्षद थे, जिन्होंने बहुत एक अच्छी जानकारी दी और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। खबर वाला से ब्यूरो चीफ गणेश श्रीवास्तव।